झारखंड के खूंटी जिले की पुलिस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में हिरासत में ले लिया है। अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद के विरुद्ध सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला खूंटी थाना में दर्ज किया गया है। मामला 2 जुलाई की बताया जा रहा है। खूंटी SP अमन कुमार ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता छात्रा के दिए शिकायत पर FIR करते हुए एवं कार्रवाई करते हुए आरोपी STO को कस्टडी में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। SP ने बताया कि 1 जुलाई की रात को STO ने IIT की छात्र छात्राओं को अपने आवास में पार्टी के लिए बुलाया था, जहां सभी ने खाना पीना खाया और ड्रिंक का सेवन भी किया। उसके बाद पीड़िता और SDO कुछ देर के लिए अलग हो गए। 2 जुलाई की सुबह लगभग 6 बजे पीड़िता को किस किया और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान पीड़िता छात्रा वहां से भाग गई और अपने साथियों के साथ SDO आवास से बाहर निकल गई। पीड़िता छात्रा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और IIT की छात्रा है। जिले में वो पिछले 20 दिनों से लगभग 20 छात्र छात्राएं रूरल डेवलपमेंट के तहत इंटर्नशिप को लेकर खूंटी आई हैं। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा ही रूरल डेवलपमेंट की किसी कार्यक्रम को लेकर उन बच्चों का ट्रेनिंग करवा रही है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर 14-22 कांड दर्ज किया गया है और 354A और 509 IPC के अलावा अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और पीड़िता का 164 बयान के लिए खूंटी न्यायालय भेज दिया है। SP ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताते चलो कि इसी तरह का एक मामला 13 जुलाई 2015 को जिले में सामने आया था, जहां तत्कालीन DDC देवेंद्र भूषण पर भी तपकरा की एक नाबालिग लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाया था और उस मामले में देवेंद्र भूषण पर कार्रवाई हुई थी। महिला थाना अंतर्गत कल शाम में एक महिला क्लिक के द्वारा SDO खूंटी रियाज जो है उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन जो है वो दर्ज कराया गया। इस पर संज्ञान लेते हुए महिला थाना में 14/22 FIR जो है वो दर्ज किया गया 354A 509 IPC के अंतर्गत। जो रात में ही कई लोगों से पूछताछ की गई है, इंक्वायरी की गई है और SDO खूंटी को भी पुलिस कस्टडी में लेके उनसे पूछताछ वगैरह की जा रही है। अग्रतर हम लोग लड़कियों का जो बयान है 164 का लड़की का बयान और मेडिकल वगैरह जो है करवा रहे हैं। आगे क्या इसमें देखिए, अभी तो हम लोग 164 के लिए भेजे हुए हैं। जो लड़की इसने कंप्लेन किया है उसके बाद मेडिकल वगैरह लड़की का कराया जाएगा। अन्य जो लोगों की बात बताई गई है FIR में उन लोगों से भी इंक्वायरी की जाएगी, पूछताछ वगैरह की जाएगी और जो भी 354A 509 IPC के अंतर्गत ये जमानतीय धाराएं हैं इसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई है उत्तर हम लोग पूछताछ के बाद उसको करेंगे। SDO को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे। इसमें इंक्वायरी जो भी फेयर इंक्वायरी है हम लोग करेंगे। लड़की का भी तो बयान आज के डेट में तो लड़की का बयान जो है 164 का और मेडिकल वगैरह जो है वो हम लोग करवाएंगे और अग्रतर इसमें जो भी अनुसंधान है इस अनुसंधान को हम लोग गंभीरता से लेते हुए जो भी सही दिशा है जो भी सही चीज़ें हैं उसको अनुसंधान में लाएंगे।